हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है एक और नई धमाकेदार वीडियो में। तो आज ना यार मुझे बड़े दिनों के बाद अपने वॉइस टोन में रोबोट कार दिखी। देखो वो जा रही है, तो अभी मैं इसी का पीछा कर रहा हूँ। अरे भैया यार एक मिनट अपनी बाइक देना। तो मैं किसी अनजान आदमी को अपनी बाइक नहीं दे सकता, आई एम सॉरी। अरे ये तो मुझे बाइक देने से मना कर रहा है। अबे तेरी तो ऐसे नहीं मानेगा लगता है तू। अभी तो मुझे इससे बाइक छीननी होगी। चल बे चल नीचे उतर। तो ये देखो भाई अभी मेरे हाथ इसकी बाइक लग चुकी है। कहाँ गई यार वो रोबोट कार? देखो वो जा रही, अभी देखता हूँ ये बच के कहाँ पर भागेगी। रोबोट कार रुक जा, देख अभी मैं आ चुका हूँ और आज तो मैं तुझे ड्राइव करके ही रहूंगा। पीरो तू कब से मुझे परेशान कर रहा है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये क्या यार, देखो ये रोबोट कार तो अभी रोबोट बन गई और अभी तो ये मेरे ऊपर फायरिंग भी कर रही है। देख भाई रोबोट अभी वापस से कार बन जा, आज तो मैं तुझे चला कर रहूंगा। कार नहीं बनूंगा और आज तेरी चटनी बना दूंगा, तुझे मार डालूंगा। देखो यार ये कार भी नहीं बन रहा और मुझे मार भी रहा है, लगता है इसका कुछ करना पड़ेगा। तो ये देखो मैंने निकाल ली अपनी स्पेशल गन। ये कौन सी गन है, मुझे तो गरम कर दिया। भाई ये क्या, ये रोबोट कार नीचे कैसे गिर गई? अरे ये क्या भाई, देखो रोबोट कार गायब हो गई और ये पुलिस वाला मुझे क्यों मार रहा है? अरे फिरो तुमने रोबोट कार का मर्डर किया है, अब तो तुम्हें जेल में जाना ही होगा, साथियों पकड़ो इसे। अरे यार ये तो बोल रहे हैं कि मैंने रोबोट कार को मार दिया है, भागो यार वरना ये लोग मुझे जेल में डाल देंगे। तो उन पुलिस वालों से तो मैं बच के आ गया। और ये देखो भाई मैं पहुँच गया हूँ अभी टिप्सन के घर पे। तो आप सभी को तो याद ही होगा गाइस, कल की वीडियो में मेरे और टिप्सन के बीच स्प्लेंडर बाइक की रेस हुई थी और भाई मैंने टिप्सन को हरा दिया था। आपने देखी होगी वीडियो, अगर नहीं देखी तो इसके बाद देख लेना। तो चलो अभी टिप्सन से बात करते हैं। हेलो भाई टिप्सन, कैसा है तू? अरे फिरो मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, तू बता। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, लेकिन टिप्सन कल की रेस हारने के बाद तुझे कैसा लगा? यार फिरो बुरा तो लगा था, लेकिन वो सब छोड़, ये बता तेरी स्प्लेंडर बाइक कहाँ पर है और ये बाइक किसकी है? यार टिप्सन मेरी बाइक तो घर पे खड़ी है और ये तो मैंने किसी से छीनी है। यार फिरो तू एक नंबर का चोर है। रुक भाई टिप्सन, ये डेंजरस विलन क्यों कॉल कर रहा है? और फिरो कहाँ पर है भाई? मैंने सुना है तू बहुत अच्छी स्प्लेंडर बाइक चलाता है। तो आजा भाई, अगर तेरे अंदर दम है तो आकर मेरी केटीएम बाइक को हरा कर दिखा। क्या कहा, केटीएम बाइक को स्प्लेंडर बाइक से हराना है? हाँ भाई, क्यों डर गया क्या तू? नहीं नहीं भाई मैं नहीं डरा, तू बस वहीं पर रुक, मैं अभी आता हूँ 10 मिनट में। अरे फिरो हरा देगा क्या उसे तू? टिप्सन ये तो पता नहीं, लेकिन केटीएम बाइक काफी तेज चलती है, लेकिन फिर भी मैं उसे हराने की कोशिश करूंगा। फिरो तू पहुँच, मैं भी पहुँचता हूँ, मुझे भी देखनी है रेस। और ये देखो गाइस अभी मैं अपनी स्प्लेंडर बाइक लेके रेस वाली लोकेशन पे जा ही रहा हूँ और भाई यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं तो पूरा भीग चुका हूँ, पता नहीं विलन भी वहाँ पर होगा या फिर नहीं। तो ये देखो भाई अभी फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं रेस वाली लोकेशन पे। अबे ये क्या कर दिया भाई मैंने, टिप्सन को टक्कर मार दी। अबे भाई फिरो कैसे गाड़ी चला रहा है, दिखाई नहीं देता क्या तुझे? अरे सॉरी सॉरी भाई टिप्सन, यार वो गाड़ी के ब्रेक नहीं लगे, गलती से टक्कर मार दी तुझे। छोड़ रहा फिरो, कोई बात नहीं, जल्दी से अपनी गाड़ी को घुमा के सीधी खड़ी कर इधर। हाँ एक मिनट यार अभी खड़ी करता हूँ। तो चलो यार अभी अपनी गाड़ी को फटाफट से स्टार्ट करके सीधे से पार्क कर देते हैं। मुझे तो लगा था बारिश की वजह से रेस कैंसिल हो गई होगी, लेकिन यहाँ तो भाई रेस स्टार्ट है। और यार सामने देखो अभी यहाँ पर बारिश भी हो रही है और यहाँ पर रेस देखने के लिए लोग भी आए हैं। तो यहाँ पर खड़ा है डेंजरस विलन और ये रही डेंजरस विलन की केटीएम बाइक जिससे आज मेरी रेस होने वाली है। हाँ जिससे तेरी रेस होगी और जिससे तू रेस हारेगा। और तुझे रेस के रूल बता देता हूँ, जो रेस हारेगा उसे विनर बहुत गंदा मारेगा। अच्छा ऐसी बात है क्या, अगर मैं रेस जीता तो मैं तुझे मारूंगा और अगर तू जीता तो तू मुझे मारेगा? अरे हाँ भाई फिरो रेस तो खतरे से खाली नहीं है, मैं तो बोलता हूँ अभी कैंसिल कर दे। नहीं नहीं भाई टिप्सन अभी आया हूँ तो रेस कम्प्लीट करके ही जाऊंगा। तो ये देखो भाई यहाँ पर रहे डेंजरस विलन के सपोर्टर्स और ये रहे मेरे सपोर्टर्स जो कि भाई इतनी बारिश में भी मुझे सपोर्ट करने आए, थैंक यू भाई तुम सभी का। अरे फिरो भाई थैंक यू की जरूरत नहीं है, बस आप हमको आज की रेस जितवा देना। हाँ भाई मैं टेंट में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। तो चलो अभी हम लोग अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। हाँ भाई बैठो बैठो जल्दी बैठो, अभी मैं काउंटिंग स्टार्ट करूंगा, किसी के लिए नहीं रुकूंगा। तो देखो मैं तो बैठ गया, विलन तू भी बैठ जा। हाँ भाई बैठ गया हूँ अभी मैं भी। तो ये देखो एक तरफ है स्प्लेंडर बाइक, दूसरी तरफ है केटीएम बाइक, तो अभी रेस स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 एंड गो। अरे वाह अभी तो रेस स्टार्ट हो गई। फिरो बच्चू तेरी ये खटारा सी स्प्लेंडर बाइक मेरी केटीएम बाइक को नहीं हरा पाएगी, देख मैं तो चला। अबे यार ये विलन ने तो रेस स्टार्ट होते ही लगता है मेरी टायर फिस कर दी, देखो ये कितनी तेज भगा रहा है अपनी केटीएम बाइक को। और फिरो मुझे तो पता ही था तू आज की रेस हारेगा और आज तो मैं तुझे इतना गंदा मारूंगा कि तू जिंदा ही नहीं बचेगा। हाँ विलन मार लेना, लेकिन पहले मुझे रेस हरा कर तो दिखा। अरे रेस तो तू हार गया समझ रहा फिरो, देख मेरी बाइक कितनी आगे चल रही है अभी तेरी बाइक से। तो गाइस अभी लगता है इस डेंजरस विलन को अपनी स्प्लेंडर बाइक की पावर के बारे में बताना ही पड़ेगा। तो ये देखो भाई ये वही विली है जो कि मैं कल कर रहा था और कल वाली वीडियो में भी भाई मैंने टिप्सन को ऐसे ही हराया था, मैं अपनी बाइक को एक टायर के ऊपर चला रहा था और मेरी बाइक क्या ही तेज भाग रही थी। और यार आज इस डेंजरस विलन को भी हम लोग ऐसे ही हराएंगे। तो ये देखो अभी मेरी गाड़ी बिल्कुल एक टायर पे चल रही है और अभी हम लोग भाई विलन से भी आगे निकल चुके हैं। ये क्या, ये फिरो ने अपनी स्प्लेंडर से मुझे पीछे कैसे छोड़ दिया? अबे एक टायर पे गाड़ी कैसे उड़ा रहा है तू? तेरा बहुत हुआ, अभी मैं वापस से आगे आ चुका हूँ, तू कितनी भी कोशिश कर ले रेस तो तू हारेगा बच्चू। यार सड़क पे बहुत कीचड़ हो रहा है। अबे ये क्या यार, देखो कीचड़ की वजह से मेरी बाइक यहाँ पे स्लिप हो गई। अरे नूब फिरो
कहीं के तुझे तो बाइक चलाना भी नहीं आता, क्यों गिर गया ना अपनी बाइक लेके? अब देख भाई मैं तुझसे कितना आगे निकल जाता हूँ। अचानक से रेस में हुआ खतरनाक एक्सीडेंट, रॉफिरो की बाइक हुई स्लिप और विलन निकल गया आगे। अरे वाह यार देखो ये रॉफिरो तो मुझसे कितना ज्यादा पीछे रह गया, अब तो मैं रेस जीत जाऊंगा। तो यार अभी मैंने अपनी स्प्लेंडर बाइक के बूस्टर्स को स्टार्ट कर दिया और अभी मेरी बाइक देखो भाई कितनी ज्यादा तेज स्पीड में चल रही है। अभी बस हम लोग ना पहुँचने वाले हैं विलन की बराबरी पे, और अभी अपनी बाइक की स्पीड को बढ़ाने के लिए लगता है मुझे इसको वापस से एक टायर पे चलाना होगा। तो गाइस ये देखो भाई, अब ये क्या दोबारा से गाड़ी स्लिप हो जाती है? अभी तो मैं अपनी बाइक को काफी तेज भगाते हुए आ रहा हूँ, लेकिन अभी भी भाई मुझे विलन कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहा है। अरे रॉफिरो तुझे नजर आऊंगा भी नहीं क्योंकि मैंने तुझसे पहले यू टर्न मार लिया है। अरे दिख गया भाई विलन तू मेरे सामने कट मार रहा है, ये देख अभी मैं भी तेरे पीछे आ चुका हूँ। कहाँ भागे जा रहा है तू? भाई रॉफिरो को मैं कहाँ से दिख गया, और तेरी ये तो देखो मेरे पीछे ही आ गया, अब ऐसा कैसे हो सकता है? अरे विलन के बच्चे तुझे क्या पता स्प्लेंडर बाइक की पावर के बारे में? तो गाइस ये देखो भाई अभी व्हीली लगाकर मैं वापस से काफी ज्यादा आगे आ गया था, और अभी मेरी बाइक भाई दोबारा से स्लिप होने वाली थी लेकिन बच गया। अगर आज बारिश ना होती ना तो भाई इसको तो मैं बड़ी आसानी से हरा सकता था क्योंकि व्हीली मारकर मेरी बाइक काफी तेज चलती है। तो रेस का एंडिंग पॉइंट यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर बचा है, और अभी तक रेस में डेंजरस विलन आगे चल रहा है। तो आप सभी को क्या लगता है आज की रेस को कौन जीतेगा, रॉफिरो या फिर डेंजरस विलन? जल्दी से कमेंट करके बताइए, और ये भी बताना आप इन दोनों में से किसकी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, रॉफिरो की टीम को या फिर विलन की टीम को? गाइस यार सभी लोग मुझे सपोर्ट करना, और मेरी टीम को सपोर्ट करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसकी टीम को कोई सपोर्ट मत करना, ये आज की रेस हारेगा। मेरी टीम को सपोर्ट करो भाई, और मेरी टीम को सपोर्ट करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दो ओपी डेंजरस विलन टीम। तो गाइस जल्दी जल्दी अपनी टीम सिलेक्ट करो और कमेंट करके बताओ, देखते हैं आज किसकी टीम जीतने वाली है। अरे भाई आज तो हमारी ही टीम जीतेगी, मतलब डेंजरस विलन वाली टीम, देख लियो। अरे ग्रैनी अपना मुंह बंद रख ले, आज तो हमारा रॉफिरो ही जीतेगा, क्यों भाइयों? अयो बिल्कुल सही बोला सुपर हीरो भाई ने। अरे मैं भी देखता हूँ आज तुम्हारा रॉफिरो कैसे जीतता है, देखो तुम्हारा रॉफिरो मुझसे कितना ज्यादा पीछे चल रहा है, और आज तो इसके जीतने के चांस बिल्कुल 0% है। अच्छा सुना गाइस, देखो ये विलन क्या बोल रहा है, मेरे जीतने के चांस 0% है। चलो इसको बताते हैं अपने स्प्लेंडर बाइक का जलवा। बारिश की वजह से हम लोग अपने स्प्लेंडर बाइक को एक टायर पे नहीं चला पा रहे, जिससे हमारी बाइक थोड़ी स्लो चल रही है, लेकिन फिर भी भाई हम लोग इसको हरा देंगे। और ये देखो अभी हम लोग डेंजरस विलन से भाई आगे निकल चुके हैं, और अभी तो भाई एंडिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा पास आ चुका है, और अभी चाहे से कुछ भी हो जाए हम लोग डेंजरस विलन को आगे नहीं निकलने देंगे। अरे रॉफिरो तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और ये तेरी पिद्दी सी स्प्लेंडर बाइक, इसको तो तू अपने घर ही ले जा भाई, क्योंकि आज तो तू रेस हार ही गया है वैसे भी। भाई ऐसे तो मैं नहीं हारने वाला। तो गाइस अभी भाई कुछ भी करके इससे आगे निकलते हैं। तो अभी मैं आगे आ चुका हूँ, और अभी मारने वाला हूँ मैं अपनी लास्ट व्हीली, और बूम गाइस ये देखो हम लोग जीत गए। मजा आ गया भाई, आखिरकार हमारी स्प्लेंडर बाइक ने केटीएम बाइक को हरा दिया। तो अभी बारी है भाई विलन की ठुकाई की, तो अभी भाई इसको ठोकते हैं यहीं पर। रॉफिरो मैं तो मजाक कर रहा था भाई, मत मार मुझे, अब मत मार रॉफिरो। ना ना भाई मैं तो तुझे मारूंगा, इतनी मेहनत से हराया मैंने तुझे। तो गाइस अभी देखो भाई इसकी तो मैंने यहाँ पर जम के धुलाई कर दी है, और आज तो यार हम लोग रेस जीत गए, लगता है मुझसे मार खा के ये बेहोश हो चुका है। तो चलो चल के देखते हैं इसकी टीम वाले बंदों का क्या हाल है। तो अभी हम लोग इधर आ गए, लेकिन वो ग्रैनी ग्रैंडपा और थेनोस कहाँ गए जो कि इसे सपोर्ट कर रहे थे? रॉफिरो भाई वो तो इसके रेस हारते ही दुम दबा के भाग गए, लेकिन कोई बात नहीं आज तो आपने हमारी इज्जत बचा ली। हाँ वो तो है यार, स्प्लेंडर से केटीएम को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो गाइस मुझे पता है आपको भी वीडियो मजा आया होगा, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। तो हम लोग मिलते हैं भाई अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।